hello guys welcome back to my channel how are you i hope you are well so in this video we are going to discuss the last chapter the beggar and i'm having the book with me moment class 9. so this chapter is about a beggar whose name is lashkov and the second main character in the story is the sergey and third is the olga and three characters in the story and this chapter is written by Anton Chekhov who is a russian writer सो लेट इस बिगन द स्टोरी वट इंड्यूज द बैगर लशकोफ टू चेंज हिज वे लेट्स रीड एंड फाइंड आउट वट वट हैपन्स इन द स्टोरी कि क्या होता है स्टोरी में कि जो बैगर होता है जो लशकोफ होता है उसकी लाइफ में कैसे चेंज आता है एक बार चैप्टर शुरू करने से पहले देखो तो बैगर तो आपको पता है कि क्या होता है बैगर जो बैग करते हैं जो मतलब भीख मांगते हैं ठीक है उन भिखारी को बोलते हैं बैगर तो उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है जो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है तो ये सब हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं Kind sir, have pity, turn your attention to a poor, hungry man. For three days I have nothing to eat. अब देखो जो बेगर है वो किस तरीके से बोलते हैं बेगर जैसे भीख मांगते हैं वो हमेशा कुछ इस तरीके से बोलते हैं ना कि उन पर दया आ जाती है कि दया करो सर हम पे दया करो कि हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दो गरीब हैं भूखे हैं तीन दिनों से हमने कुछ नहीं कहा मैंने कुछ नहीं कहा आई हैव एवं फाइव कॉपिक्स फोरलॉजी ठीक है कॉपिक्स का मतलब क्या तो रशियन कॉइन है ठीक है रशियन राइटर तो रशियन लैंग्वेज ही यूज़ की गई है लॉजों को तो रहने के लिए उनके पास मतलब कि फाइव कॉपिक्स भी नहीं है आई सीअर इट बिफोर गोड मैं भुगान की कसम खा के कहता हूँ फॉर एट ईयर्स आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर देन आई लॉस माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज ठीक है भाई एट ईयर्स तक तो मतलब मैं विलेज का स्कूल टीचर बन के रहा उसके बाद मैंने मैंने अपनी जगह भी मतलब कि खो दी एंड जैसे मतलब वहाँ पे जो प्लेस बना हुआ था स्कूल टीचर वो भी नहीं रहा क्योंकि कुछ कंस्पिरेसी के वजह से कि जो षड्यंत्र रचे गए आई फेल एस विक टीम टू कलमनी Uh, इसका मतलब क्या होता है कि भई आप इस तरीके से प्रेजेंट करना कि आप को मैंने इज्जाम लगा के वहाँ से निकाला गया है ठीक है एंड इट इज़ नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू और अब बहुत साल हो गया ऐसा हो गया कि मैं कुछ छोड़ कर भी नहीं सकता हूँ द एडवोकेट सर गए लुक एट द रेड फोन कलर्ड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सप्लाइंट At his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. ठीक है तो अब जो एडवोकेट होता है सर गए आपको याद रखना है कि जो जो पर्सन है सर गए वो एक वकील है वो उसकी तरफ जो फटे पुराने कपड़े जो उसने डाले होते हैं ठीक है थीके? और उसने मतलब कि एक जो ओवर कोड डाला होता है ठीक है फोन कलर मतलब कि डार्क सा कलर का जो ओवर कोड डाला होता है एंड एक ऐसा पर्सन जो मतलब कि जैसे प्ले कर रहा होता है प्ले का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो उसकी जो आंखें कैसे होते तो हैं डल होती है ड्रंकन आइस वाले से जो लोग पीते हैं ना शराब वगैरह पीते थे तो उनकी आइस बिल्कुल ऐसे लगते है कि और रेड कलर की हो जाती है उसके जो बहुत चिक्स भी दोनों रेड कलर के थे फिर से उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उसको पहले कहीं देखा हुआ है आई हैव नोट हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोवेंस ऑफ कलगा ठीक है जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो कलगा है वो कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पर कोई ऐसी पोजिशन भी कोई ऑफर नहीं कर रहा है द मेडिकेन्ट वेंट ऑन और जो बैगर था बैगर के लिए वर्ड यूज किया गया मेडिकेंट कि जो बैगर वो ऐसे बोलता गया बट आई एव नॉट द मनी टू गेट देयर ठीक है मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं उस प्लेस में जाके कुछ ना कुछ मतलब कि जो पोजीशन है वो हायर कर लो एंड हेल्प मी काइंडली कि मुझे प्लीज मतलब की हेल्प कर दो एंड आई एम शेम टू आस ठीक है और मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है बट आई एम मोबलाइज टू बाई सरकमस्टेंस लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मुझे इन सरकमस्टांस जो मेरी परिस्थिति है उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है ठीक है मतलब इसमें क्या बोला है कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को ना कलुका के जो डिस्ट्रिक्ट है रशिया में तो भाई मुझे एक पोजिशन ऑफर तो मिली है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो वहाँ पर जाएगा कैसे तो मुझे सिर्फ हेल्प कर दो मतलब मुझे मांगते हो शर्म आ रही है लेकिन फिर उसे पैसे चाहिए वहाँ पे जाने के लिए सर गई आइज फेल ऑन द मैन ओवर शूज वन ऑफ हिस हाई एंड द अदर लो अब सर की जो आंखें होती हैं उसके मतलब कि शूज होते हैं उनके ऊपर पढ़ पड़ती है तो वो एक तो उसने बड़ा डाला होता है एक उसने छोटा डाला होता है और वो अचानक से उसको याद आता है कुछ उसको देख के याद आ जाता है लुक हेयर इट सीम्स टू मी एज आई एम सॉरी आई मेट यू द डे बिफोर यसटडे इन सडोवियस्ट्री अब वो कहते हैं मुझे मतलब कि देखो यहाँ देखो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हें मैंने ना एक दिन पहले सडोया स्ट्रीट है जो गली का नाम है वहाँ पे देखा है ही सेड बट यू डोल्ट मी वेन दैट यू वर इन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर डू यू रिमेंबर वो कह कहते हैं कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम तो उस टाइम स्टूडेंट हो और तुम्हें बाहर निकाल दिया गया एक्सपेल किया तो बाहर निकाला और तुम कोई स्कूल टीचर नहीं हो क्या तुम्हें याद है नो 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 देट के नॉट बी सो मम्बर्ड द बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड बड़े चुपके से आराम से बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था टेकन अबे उसको मेरे सरप्राइज लगता है धक्का लगता है आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर अब बड़े सरप्राइज तरीके से कहता है कि नहीं मैं तो विलेज स्कूल टीचर नहीं मैं तो तुम्हें इस पेपर भी दिखा सकता हूँ हैव डन विद लाइंग यू कॉल्ड यूर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैव हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर डोंट यू रिमेंबर अब जो जब बोलता है कि तुम बहुत झूठ बोल चुके हो तुमने खुद ही तो मुझे कहा था कि तुम स्टूडेंट हो और अब तुम और तुम्हें बोला गया था कि तुम्हें निकाल दिया गया है क्या तुम्हें याद नहीं है सर गए फ्लस एंड टर्न फ्रॉम द रैड क्रिएटर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसकस्ट अब सर गए बड़ा फ्रस्ट्रेट होके उससे जो मतलब कि रैग क्रिएटर किसके लिए यूज कहिए बैगर के लिए बैगर को देखते हुए मतलब कि वो पीछे की टर्न करता है सर और मैंने कैसे मतलब कि मानता ही नहीं है कि वो कि भाई वो सही कह रहा है गुस्से से मतलब डिसअप्रूवल की फीलिंग से दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर्स सर ही कराइट इंगरली दिस इज स्विंडलिंग आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू डैम यू ठीक है वो कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही बात नहीं है ठीक है और वो बड़े गुस्से से चिल्लाता है कि ये तो बड़ी चीटिंग है और मतलब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा

वो सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस पहले तो मतलब वो कहता हैं कि मैं रशियन के ग्रुप म्यूजिक में गाया करता था और मतलब ड्रंकनेस की वजह से मतलब ज्यादा शराब पीने की वजह से उसको निकाल दिया गया बट वट इज के नू लेकिन अब मैं इसके अलावा कर भी कह सकता था आई can't गेट अलॉन्ग without। लाइक मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मुझे लोग पैसे कैसे देंगे नो वन विल गिव मी एनी थिंग विन आई टेल द ट्रूथ और कोई मुझे सच नहीं बताएगा अगर मैं बताऊंगा कि मुझे शराब पीने की वजह से निकाला गया था वट कैन यू डू मैं कर भी कह सकता हूँ वट कैन यू डू यू आस्क वट यू कैन डू क्राइट सर गई सरग ने बोला आपसे पूछो कि तुम क्या कर सकते हो कमिंग क्लोज वट यू कैन डू यू मस्ट वर्क की काम जो तुम कर सकते हो और तुम्हें करना चाहिए वर्क ये आई नो देट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फैंड वर्क की काम हाँ मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरे को काम मिलेगा कहाँ पे हाउ वुड यू लाइक टू चौक वुड फॉर मी की तुम क्या मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे आई वॉट रिफ्यूज टू डू दैट बट इन दैट दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड दैम सर सिटिंग विदाउट ब्रेक वो कहते हैं कि मैं मना नहीं करूँगा लेकिन उन दिनों जो मतलब कि बहुत अच्छे जो वुड कटर थे ना लकड़ी काटने वाले उनको भी काम नहीं मिलता है वो भी आराम से बैठे हुए हैं वो भी नहीं कमा पा रहे हैं विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी वो कहते हैं कि क्या तुम आओगे मेरे लिए चॉप करोगे येस सर आई विल हाँ सर मैं करूँगा वेरी वेल वी विल सून फाइंड आउट ठीक है वह कहते हैं बहुत अच्छा है कि तुम्हारे साथ चलो सर गई ई हे सर गई उसको बने जल्दी से लेके जाता है रबिंग इज हैंड उसके हाथों को रब करते हुए ही कुक आउट ऑफ द किचन अब जो वो अपनी कुक को बुलाता है किचन में से अब जो मैं आपको बताती है कि करेक्टर एक और करेक्टर इसमें ओल्गा जो उसकी कुक का नेम है वो कहता है कि टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चो वुड कि इस जेंटलमैन को अंदर लेके जाओ वुड शेड में और इसको लकड़ियां दिखाओ भी काटने के लिए द केयर क्रो ऑफ ए बैगस शोल्डर एज इफ इन द दर्पलेक्सिटी एंड वेंट इ रिजल्ट आफ्टर द्रो आप जो स्केयर क्रो क्या होता है जैसे मैंने जो बैगर है ना उसकी कंपेरिजन किया हुआ है जैसे आप खेतों वगैरह में उसको ड्राने के लिए जैसे वो लगाते हैं ना को बूथ सा बना के लगा देते हैं ठीक है उसको वो किया गया बेबैग क्रो क्रोकते हैं तो जो उसके जो शोल्डर्स है वो अपने इस तरीके से मूव करता है जैसे कि मतलब कि वो कन्फ्यूज हो और बिना इ का मतलब कि इच्छा भी नहीं होती फिर वो कूक के पीछे जाता है ठीक है उसका मन नहीं करता इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट और उसकी चाल से गेट क्योंकि चाल से पता लगता है दैट ही ए नॉट कंसेंटेड टू गो कि वो जाना नहीं चाहता चो वुड बिकॉज लेकिन वो इसलिए नहीं मतलब कि इच्छा से नहीं जाना चाहता लगड़े का जाता क्योंकि ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क सिर्फ वो भाई भूखा था और काम करना चाहता था

अब जो उसकी वीक थी अब जैसे ड्रिंक कर करने के बाद अल्कोहल का कंज्यूम करने के बाद वो क्या तो वीक हो गया था बाय वोड का जैसे वोडका क्या ड्रिंक तो पीने के बाद वीक हो गया था दैट ही वॉज अनहेल्दी और वो बहुत तो ज़्यादा बीमार सा रहने लगा था डी नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉल और जो मतलब कि वो उसको मतलब कि जैसे जो हार्डवर्क के लिए बिल्कुल भी वो थोड़ा सा भी मतलब कि रेडी नहीं था इंक्लिनेशन का तो रेडी नहीं फील हो रहा था सर गई हरिड इन टू द डाइनिंग रूम और सर गई क्या होता है जल्दी से डाइनिंग रूम में जाता है फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड और उस जिस डाइनिंग रूम की में जाता है ना वहाँ से एक विंडो में से उसको प्रॉपर दिख जाता है वुड शेड में कि वहाँ पे क्या चल रहा है आंगन में ठीक है स्टैंडिंग एट द विंडो विंडो के पास खड़ा हुआ क्या देखता है कि सर गए सो द कुक सर गए ने कुक को देखा द बेगर कम आउट इन टू द यार्ड बाय द बैक बैगटो की जो बैगर होता है वो पिछले डोर से उसमें यार्ड में जाता है मेक द वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड और जैसे मतलब स्नो से पता लग रहा है कि जैसे वहाँ पे सर्दी का टाइम चल रहा होगा और स्नो से वो रास्ता बनाते हैं शेड की तरफ जाते हैं ओलगा ग्लेयर रैथफुली एट हर कंपनी और बड़े गुस्से से ओलगा उसकी तरफ देख रही होती है ए हिम ही साइड हर एल्बो और मतलब उसको धक्का दे देती है मतलब कि कितनी एल्बो से एक साइड करके अनलॉक द शेड और शेड को खोलती है एंगरली बैंस द डोर और एकदम गुस्से से बैंस के तो दरवाजा मार देती है ठीक है मतलब जो ओलगा होती है उसको देख के बड़ा बिल्कुल भी खुश नहीं होती है तो जैसे ये पिक्चर में है ठीक है कि तिलेशफ है सर गए है और रियोल है नेक्स्ट इज होता सुडो टीचर सीट हिम सेल्फ लॉग अब देखो जो फॉल्स टीचर बना होता है सुडो का मिन्स फॉल्स टीचर है वो अपने आप को एक लॉग जो लकड़ी का जो लट्ठा होता उसको है उसको बोलते हैं उसके ऊपर बैठ जाता है एंड बिकम लॉस इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फीस जैसे क्या होता है हम अपनी मुठ्ठी को मैंने कि रख के ना चीक्स पे रख के जो सोचना शुरू कर देते हैं वैसे सोच रहा होता है The woman वुमेन फ्लश डाउन इन एक्स एच सी एंगली एंड judging from the expression of her लिप्स और जो वुमेन होती है वो क्या करती है वो जो कुल्हाड़ी होती है उसके हाथ में वो एक पैर पर गिरा देती है और बड़े गुस्से बोल, वो बोलती है जजिंग और उसको एक्सप्रेशन से जज करती है मतलब उसके एक्सप्रेशन से ऐसे लगता है कि वो कुछ बोलने वाली है बिग इन टू उसको उसको डांटने वाली है इन द बेगर इ रिजोल्टली पुल द बिलिट ऑफ वुड टूअर्स और बिलट ऑफ वुड का मतलब कि जो लकड़ी के जो गट्ठे से होते हैं ना उसको वो खींचने की कोशिश करता है जबकि वो चाहता नहीं है सेट इट अप अपटवीन दिस फीट अपने पैरों में लगाता है एंड टैप्ड इट फीबली और बड़े कमजोर हाथों से मतलब कि कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है कि ताकि वो टूट जाए जो बिलेट वेवर्ड एंड फेल्ड जो जो लकड़ी के जो बड़े से वुड के जो आ, होते हैं लॉक्स होते हैं तो वो गिर जाते हैं उसे और जो बैगर होता है वो अगेन फिर उसको पकड़ता है फिर वो अपने मतलब कि जैसे ठंड में क्या होता हाथ हमारे जैसे कांपना शुरू करते हैं ना पकड़ भी नहीं पाते हैं और फिर वो उसको मतलब कि मारने की कोशिश करता है लकड़ी से उस से पे और ऐसा लगता है कि जैसे वो मतलब कि डर रहा हो कि वो उसे मतलब कि हिट करने से अपने वो से और जो उसकी जो फिंगर है वो है, कर नहीं पा रहे हैं कट नहीं कर पा रहे हैं तो जो दोबारा फिर उसको क्या होता है कि उसके हाथ से वो वुड है ग्राउंड पर गिर जाती है सर गई इंगर हेड वेनिश्ड एंड ही नाउ बिगिन टू फील अ लिटल सोरी एंड अम्ड ऑफ हिमसेल्फॉर है स्पॉइल ड्रंकन perhaps सिक मैन टू वर्क अ मेन्यूअल लेबर इन द कॉल अब सर गये अब यह देखता है तो उसका ऐसे लगता है कि भाई उसने ना मतलब कि उसका जो गुस्सा था वो खत्म हो जाता है जब वो देखता ना कि भाई उसको सॉरी फील होता है कि भाई वो काम नहीं कर पा रहा है जबकि मतलब कि उसने मतलब कि वो इतना ड्रिंक कर करके वो इतना वीक हो गया है कि वो इतना सिंपल सा काम नहीं कर सकता इतनी में एन आर लेटर ओलगा केम इन एंड अनाउंस डेट व वुड हैड ओल बीन चॉप अब एक घंटा बीत गया ओलगा आती है और अनाउंस करती है कि जो वुड है वो सारी कट हो गई हैं गुड कि वी मैं हाफ अ रूबल सेट सर गए सर गए ने बोला कि उसको हाफ रूबल दे दो इफ यू वॉन्ट्स टू बी कैन कम बैक कट वुड ऑन हिस फर्स्ट डे ऑफ इच मंथ कि अगर वो चाहता ना कि हर मतलब कि लकड़ वापस आना चाहता है तो वो मंथ के फर्स्ट डे में आ सकता है वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम और हम हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम रखेंगे ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ ऑफ द वेफ मेड हिज अपीरेंस एंड अगेन अर्न हाफ ए रूबल और पहले दिन वो मंथ के फर्स्ट डे में क्या करता था वो जो होमलेस पर्सन होता वेफ वो आ जाता था और मैं दोबारा से फिर वो हाफ रूबल कमा लेता था ऑल दो ही कुड बियरली स्टैंड ऑन हिस्सै और जबकि उसको खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता था फ्राम दैट ऑन फ्राम दैट डे ऑन ही ऑफन अपियर इन द यार्ड और उस दिन से वो हमेशा उस आंगन में दिखाई देता था द टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर इम और उसके लिए हमेशा कोई ना कोई काम वो ढूंढ के रखते थे नाउ ही वुड शॉवल स्नो शोवल क्या होता है जैसे मतलब कि एक टूल होता है जिसे वो स्नो को साइड में करना होता है कभी वुड को शेड के अंडर रखना होता था कभी मतलब कि डस्क को हटाना होता था रग से मतलब कि मैट वगैरह पे से ठीक है एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम द ट्वेंटी टू फोर्टी कॉपिक्स और हर बार उसको कुछ ना कुछ ट्वेंटी फोर्टी कॉपिक्स उसको मिल जाते थे और जो उसके पुराने ट्राउजर थे वो कई बार क्या करते उसको उसके मतलब की जगह उसको अपने पुराने कपड़े भी दे देते दे थे वैन सरगई मूव इन टू अनदर हाउस ही हैड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर हॉलिंग का मतलब तो जैसे फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना हो तो उसके लिए तो जब सरगई ने अपना हाउस चेंज किया तो उनको पैकिंग के लिए हेल्प के लिए बुला लिया उसे एंड दिस टाइम द वेफ वो सोबर और उस टाइम में जो पर्सन था बैगर था वो बड़ा ही डिसेंट था ग्लूम ही उदास सा था थोड़ा कम साइलेंट था चुप था ही हार्डली टच द फ्रिज उसने मतलब कि फ्रिज को टच नहीं किया था वर्कड बिहाइंड द वैगन्सन हैंगिंग his हैड और उसने ना एक व्हीकल मतलब जो था मतलब कि जिसको आराम से खींच के लेके जा सकते हैं तो उसको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी तो उसने वो यूज़ करके किया और ऐसे दिखा भी नहीं रहा था कि वो कुछ ज़्यादा काम करें ही ओनली shivered इन द कोल्ड लेकिन वो थोड़ा सा काम रहता था ठंड में बिकी में एम्बेरेस लेकिन वो बड़ा ही एम्बेरेस फील करता है एम्बेरेस कर जब शर्म आती है जब जो कार्टर्स होते हैं जो और जो मतलब कि डिलीवरी पर्सन होते हैं वो जियोडेटिम जियोडाटिम का मतलब हंसते हैं उस पर कि वो बेकार है कमजोर है एंड ही स्टार्टर्ड उसके फटे कपड़ों के ऊपर ठीक है उसने जो ओवर कोड डाला हो तो उसको देख के तो वो तब एम्बेरेस फील करता है आफ्टर द मूविंग वो ओवर सरगई सेंट सैंडफोरियम और जैसे ही मतलब कि वो वहां से चला जाता है तो सरगई मतलब उसको मतलब कि जो उसको लिए उसको बुलाने के लिए भेजते हैं वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट तो उसको बोलता है कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे वर्ड्स का तुम पे भाई असर पड़ा है उसने बोला हैंडिंग ही मेड रूबल फिर उसको पैसे दे देता है एंड हेयर इज फॉर योर पेंस ठीक है आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क वट इज योर नेम अब उसको कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें दुख होता है ठीक है लेकिन मैं तुम्हें मैं कि सिंपल सा पर्सन है तो तुम बहुत ज़्यादा ठीक है और मुझे तुम्हारे काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर उसको खुश होकर मैं उसकी मेहनत से तो उसको पूछते तुम्हारा नाम क्या है अब देखो मैं उसका नाम अब इस चैप्टर में हाफ चैप्टर कंप्लीट होगा तब पता लगता है कि वो क्या है लुश्कॉफ है वेल लुश्क आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर इम्प्लॉयमेंट कैन यू राइट अब देखो उसको बोलते हैं लशकोफ क्या तुम ना मतलब कुछ लिख सकते हो ठीक है जैसे एम्प्लॉयमेंट जैसे लिखते हैं तो कैन यू राइट क्या तुम लिख सकते हो आई कैन वो कहते हैं येस देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टू बोनो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू कि तुम एक लेटर लो मेरे फ्रेंड के पास जाना कल और तुम उसे जब दोगे तो तुम वो तुम्हें कॉपी करने का काम देगा और तुम मेहनत करना और ड्रिंक मत करना और याद रखना कि जो, मैं, जो मैंने तुम्हें बताया है गुड बाय प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ एंड सर गई टैप लश्फ का शोल्डर इवन गेव हिम इज हैंड एट पार्टिंग अब बड़ा खुश होते हुए उसको थपका मतलब टैप क्या होता है थप थपाते थप थप हैं जब उसके कमर पे तो लश्कोफ को उसको शोल्डर पे मतलब अच्छे से शाबाशी दे के और उसको मतलब कि गुड बाय बोल देता है ठीक है लुशकोफ टुक द लेटर लुशकोफ ने वो लेटर लिया और उस दिन से वो मतलब कि वहाँ से चला जाता है और दोबारा वहाँ पे काम करने के लिए नहीं आता है. टू ईयर्स वेंट पाए अब दो साल बीत गएनिंग एक शाम क्या होता है ऐसर गए वो स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हे सीट अब सर गए क्या होता है कि एक विंडो जहाँ पे हम टिकट वगैरह लेते हैं थिएटर के तो वहां पर खड़ा होता है पे करा होता है सीट के लिए उन्होंने नोटिस किया एक लिटल मैन एक छोटा सा आदमी उसके साइड में खड़ा हुआ है उसने कोड डाला हुआ कॉलर का करली फर्स लगे हुए हैं और उसने मैंने की सिल्क इन, सिल्क स्किन की कैप भी डाली हुई है वो जो लिटिल मैन इंडिविजुअल टीमली आस्क द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी और वो जो छोटा सा पर्सन होता बड़े है बड़े ही मतलब डरावने से मतलब की डर में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता वो टिकट सेलर से सीट मांगता हैं गैलरी में और उसको पे कर देता है कॉपर कॉइन लश्कोफ इज दैट यू क्राइट सर गए अब सर गए से हैरान हो जाता है कि लश्कोफ तो रिकोगनाइज इन द लिटल मैन इन हिज फॉर्मर वुड चॉपर और उसको पहचान लेता है कि तो भी छोटा पर्सन है जो ये वही वुड चॉपर है हाउ आर यू वट आर यू डूइंग कैसे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो हाउ इज एवरीथिंग विद यू क्या सब चल रहा है तुम्हारे साथ ओल राइट आई एम नॉट नोटरी नाउ वो कहते हैं कि सब ठीक है मैं अब नोटरी बन गया हूँ नोटरी क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह अटेस्ट करने होते हैं ना तो वो पर्सन जिसको अथॉरिटी होती है लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने की तो वो नोटरी होती है कि मैं नोटरी में लग गया हूँ एम पे थर्टी फाइव रूपल स मंथ और मुझे हर मंथ के कितने मिलते हैं थर्टी फाइव रूपल अब देखो कितना मतलब कि चेंज होगा ना कहाँ तो वन रूबल भी मांग रहा था और कहाँ अब वो थर्टी फाइव रूपल अर्न कर रहा है थैंक यू थैंक्स हेवन दैट्स फाइन बहुत अच्छे जैसे थैंक्स गॉड बहुत अच्छा आई एम डिलाइटेड फॉर यूर सेक मैं तुम्हारे बहुत खुश हूँ आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्को मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ लश्कोफ यू सी यू आर माई गॉड सन तुम्हें पता ना कि भाई तुम वही भगवान के रूप हो इन सेंस आई गिव यू पुश अलॉन्ग द राइट पाथ कि मेरी वजह से मतलब ऐसा हुआ कि अगर मैं तुम्हें ना कहता तो शायद तुम ना करते है ना यू नो डू यू रिमेंबर वट आर रोस्टिंग आई गेव यू कि किस तरीके से मैंने तुम्हें डांटा था एक बार आई नियरली हैड यू सिंकिंग टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे और किस तरीके से मेरे पैरों में गिर गए थे थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स और बल्कि थैंक यू तुम मेरे वर्ड्स नहीं भूले हो थैंक यू टू अपने थैंक यू बोला कि हाँ आपकी वजह से हुआ इफ आई हैव नॉट कम टू यू देन आई हैव बिन कॉलिंग माई सेल्फ टीचर और स्टूडेंट टू दिस डे कि हाँ अगर आपने मुझे ऐसा ना कहा होता तो शायद मैं आज भी ऐसी टीचर कह के स्टूडेंट कह के मैं बैकिंग कर रहा होता येस बाई फ्लाइंग टू ए प्रोटेक्शन आई डैग माई सेल्फ आउट ऑफ ए पेट की ठीक है तो इस तरीके से कहते हैं कि मैंने अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब कि खड्डे में से मैंने अपने आप को बाहर निकाला एक तरीके से आई एम वेरी ग्लैड इन डिट ठीक है सच में मतलब मैं बहुत खुश हूँ थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स डिट्स कि मैं भी आपका थैंक यू करता हूँ कि आपके अच्छे वर्ड्स के लिए काम के लिए आएम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू यूर कुक अब वो कहते हैं कि भाई मैं आपके लिए तो थैंकफुल हुई हूँ लेकिन आपके कुक के लिए भी हूँ एंड आई शिल बी इंडिप्टीड टू यू टू माई डाइंग डे और मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ उसके लिए कि मतलब कि मेरे बुरे दिनों में उसने मेरी हेल्प करी बट सिकली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ठीक है लेकिन मतलब कि अगर मैं टू तो बी इनर्स अगर बोलूँ तो वो आपकी कुक ही थी ओलगा थी जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया मतलब अब देखो वो हैरान हो जाता है कि भाई चेंज तो so मैंने की थी उसकी लाइफ और ई कुक का नाम लेकर कैसे अब वो देखो हम जानते हैं आगे पढ़ के चैप्टर में कि किस तरीके से ओलगा ने उसकी लाइफ को चेंज किया जब तक कि सरगाई ये सोच रहा था कि भी उसकी वजह से ऐसा हुआ है हाउ इज दैट अब वो सरप्राइजली बोलते हैं कि कैसे हुआ वेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगिन ओ यू सोच यू ओ यू मिजरेबल क्रिएचर कि जब भी मैं आपके घर पे लकड़ियाँ काटने के लाता था वो हमेशा शुरू हो जाती थी मतलब मुझे मतलब कि बोलना कि तुम बहुत ही ज़्यादा शराबी हो और तुम बहुत बुरे इंसान हो देर इज़ नथिंग फॉर यू बट यून और तुम में कुछ भी नहीं है सब खत्म हो गया है देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी और तब वो मेरे अपोजिट बैठ जाती थी और ग्रो सैड और बड़ी उदास हो जाती थी लुक इन टू फेस भी और मुझे देख कर, और फिर रोना शुरू कर देती ओ यू लकी मैन कि तुम बड़े अभाग्यशाली हो पर्सन हो देर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है देयर विल बी नन इन वर्ल्ड टू कम ऐसा नहीं है बुरे हो सो शी वुड कैरी ऑन और इस तरीके से वो मुझे ना कोसती रहती थी लगातार बोलती रहती थी मेरे बारे में यू नो इन दैट स्ट्रेंथ और आपको पता है कि इतने गुस्से में आई कैन टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर और जो मुझे सब बोलती थी ना मतलब ये नहीं कि वो गुस्से में बोलती थी वो दुखी होकर बोलती थी उसको देख के एंड हाउ मेने टीयर शीज शेड फॉर माई सर उसने मेरे लिए भी इतने सारे मेरे कि आंसू भी बहाए हैं बट द चीफ थिंग वॉज बट लेकिन जो मेन चीज वो क्या थी शी यू सो चोप द वुड फॉर मी और मेरे लिए लकड़ी भी काटती थी वो डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चोप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू क्या आपको पता है कि मैंने एक सिंगल स्टिक भी आपके लिए नहीं कट करी थी शी डिड इट और उसने वो खुद किया था वाई दिस सेव्ड मी वाई आई चेंज वाई स्टूप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर आई कै नॉट एक्सप्लेन वो कहते हैं कि भाई ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने मतलब मैं उसने मुझे बचाया क्यों कैसे मैं चेंज हुआ कैसे मैंने अपने मतलब कि शराब पीने का को छोड़ दिया मेरे को भी नहीं पता मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आई ओनली नो दैट लेकिन मुझे एक चीज़ पता है ओइंग टू तो अवर ओन वर्ड्स नोबल डिट्स कि सिर्फ उसने मतलब कि जो उसके वर्ड्स थे मेरे लिए और जो उसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया एक चेंज टू प्लेस इन माई हार्ट और उसकी वजह से मेरी हार्ट में एक चेंज आया शी सेट मी राइट एंड आई शेल नेवर फॉरगेट कि उसकी वजह से ही मैं एक सही रास्ते पर आया और वह मैं कभी नहीं भूलूंगा हाव इट इज़ टाइम टू गो नाउ और अब टाइम आए कि मैंने मुझे जाना चाहिए देर गोज द बैल एक बैल होती है और लश्कर बोर्ड लश्कर ने मैंने सिर झुकाया एंड डिपार्टेड टू द गैलरी और गैलरी की तरफ चला जाता है तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर ठीक है तो अब देखो मतलब हमें पता चलता है इस चैप्टर को पढ़ने से बहुत अच्छा मैसेज है कि, कि किसी की लाइफ में मतलब कि ये नहीं पता लगता कि किसकी वजह से चेंज होता है जब भी हम क्या होता है कि कई बार किसी की छोटी सी हेल्प भी किसी दूसरे पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आती है ठीक है जैसे मैं उलगा से पता लगा अगर उलगा ऐसा ना करती तो शायद उसकी लाइफ में कोई चेंज ना आता और देखो कहीं ना कहीं तो सरगई ने भी उसकी हेल्प की है ना उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए अगर वो ना लेकर आता तो शायद उसकी लाइफ ना चेंज होती तो इसका मतलब मैसेज ये है स्टोरी का कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ठीक है तो जिससे Uh, मतलब उसकी लाइफ में मतलब कि चेंज होगा तो उसे भी अच्छा लगेगा और उसकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ बी हैप्पी कीप सडिंग बाय